ये बेसिकली CRPF जो 95 बटालियन है उनके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम था। इसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जो सहायक उपकरण है दिव्यांगजनों को ये प्रोवाइड कराया गया था। खास करके CRPF के द्वारा जो आयोजित ये बड़े प्रशंसा का विषय है कि इन्होंने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत दिव्यांगजनों को सीधे जोड़ने के लिए और उन्हें सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए उनका यह प्रयास है। उन्होंने यह कहा है कि आगे भी इस प्रकार का सहयोग, जैसे दिव्यांगजनों का चिन्हांकन है, उनका सर्टिफिकेट बनवाना है, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराना है, इसमें आपके जो जवान हैं अपने बेसिक जो उनका वर्क है उसके साथ ये कार्य में भी वो सहयोग देते रहेंगे। ये मैं इनके इस कार्यक्रम की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ और ये प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूँ अपने विभाग की तरफ से कि जो कुछ भी है दिव्यांगजन, अगर हमें योजनाओं से छूटे हुए लोग अगर मिलते हैं तो उन्हें ज़रूर सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। CRPF 95 बटालियन के द्वारा बनारस में जो दिव्यांगजन है जिनकी आवश्यकताएँ हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के वो सारे डिपार्टमेंट जो इस काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और करना चाहते हैं, उनके और दिव्यांगजनों के बीच में माध्यम बना और वो सारे उनकी परेशानियों को हल करने का प्रयास करना। इसी के सिलसिले में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आपने देखा कि 5 दिव्यांगजनों को हम लोग ने यहाँ पर बुला के और उनकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उनको ट्राईसाइकिल्स प्रोवाइड किए हैं, उपलब्ध कराई हैं। लेकिन ये कार्यक्रम ये चलेगा, ये रुकेगा नहीं। अभी 5 से स्टार्ट हुआ है और ये संख्या जो हजारों तक पहुँचेगी। हम लोग का लक्ष्य है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ मिलके वो सारे काम करें जिससे कि काशी की जनता को हर संभव मदद जो उनको आवश्यक है वो मिल सके। सर, आपके नेतृत्व में काशी के लोगों के लिए CRPF ने जो संकल्प लिया कोरोना काल से बचाने के लिए, वैसे ही दिव्यांगजनों के लिए क्या कुछ संकल्प है CRPF का? जी, CRPF का संकल्प ये दिव्यांगजनों की मदद करने का संकल्प पूरे देश के लिए है, केवल ये बनारस या एक जगह के लिए नहीं। CRPF ने ये बीड़ा पूरे देश में उठाया है। जहाँ जहाँ पर भी CRPF डिप्लॉयड है वहाँ पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनके साथ मिलकर हम लोग ये उनको सारी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं।